हाई स्टूडेंट्स नितीश मैक्स प्लस टू चैप्टर फोर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 4.4 वर और एक्सापल सम एक्सापल 4.14 सो इन पैटर्न एक्सरसाइज एं समू बट वो एक्सापल सम डिफरेंट नम कंपा पाता सो कुर काट इनवर्स 1/7 ईक्वल टू थीटा कुत्र सर इवन नम गिवन एपी वो थीटा ईक्वल टू काट इनवर्स ऑफ 1/7 थीटा ईक्वल टू काट इनवर्स ऑफ 1/7 यूज पन्नी नम पन्नों कॉस थीटा वोड़ वैल्यू फाइंड आउट पन्नों सर इन काट इनवर्स इन साइड काट थीटा ईक्वल टू 1/7 नमक लोयर क्लास पड़चर अइड्स रईट आंगल ट्रायंगल साइड्स काट थीटा अब अडजसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड ऑपोजिट साइड ओके रईट आंगल ट्रायंगल ट्रायंगल वरंजिकरो 90 डिग्री इंगेदान थीटा थीटा ऑपोजिटले ऑपोजिट साइड इंगे वंदु 7 थीटा पक्कत्तुले अड्जसेंट साइड अब नम हाइपोटेन्यूस मुदले एन्नन्नु कंडुपिडिक्कणुम सो हाइपोटेन्यूस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑपोजिट साइड स्क्वायर प्लस अड्जसेंट साइड स्क्वायर वी नो वेरी वेल इदे पत्ती 9th पडिच्चिरुप्पोम सो इंगे ऑपोजिट साइड एन्रदु 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 7 स्क्वायर ना 49 प्लस 1 रूट 15 सो रूट 58 15 रो कॉम्पोजिट नंबर सिंप्लीफाई பண்ணி தான் எழுதணும் 5 10s ஆர் 5 2s ஆர் அப்ப 2 5 ஃபேர் இது ஃபேர் இல்லாத இருக்குது ரூட்லயே நிக்கும் அப்ப 5 root 2 ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஹைபர்டென்ஸ் நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது என்னது 5 root 2 5 root 2 ஓகேங்களா இப்போ therefore cos theta வு ஃபார்முலா எழுதுறோம் cos theta னா என்ன ஃபார்முலா நமக்கு adjacent side by hypotenuse adjacent side by hypotenuse அப்ப therefore cos theta equal to இங்க adjacent side வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 hypotenuse வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 root 2 அவ்வளவுதாங்க so using given थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/7 கொடுத்திருக்காங்க அத யூஸ் பண்ணி காஸ் थीटा மட்டும் இல்ல வேற எந்த अदर ரேஷியோ கேட்டாலும் நம்ம இந்த மாதிரி தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் இப்போ 3 சைஸ் கிடைச்சாச்சு சைன் கேட்டா ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபோடெனஸ் அப்படி ஒவ்வொன்னுதுக்கு நம்ம ஆல் 6 ட்ரிகனோமெட்ரி ரேஷியோவும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா नितीश मैक्स गाइड फॉर क्लासेस 10, 11, 12 इत गाइड कंप्लीट क्लास वर्क